हेलो स्टूडेंट, मैं अनीता आपकी हिंदी टीचर। आज हम आपका हिंदी का सेकंड पार्ट सेकंड चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, राजा शंखपीठ। ये एक कहानी है जो कि एक सनकी राजा के ऊपर है और वो अपनी सनक को किस हद तक बढ़ाता है ये इस कहानी में दिखाया गया है। तो मैं इसका सार आप लोगों को समझा देती हूँ। राजा शंखपीठ एक सनकी राजा है, किंतु उसका एक मंत्री विभूति चंद्र उसकी मूर्खताओं पर काबू पा लेता है। एक बार राजा ने प्रश्न किया कि संसार में सबसे कड़वी चीज क्या है। ठीक उत्तर न देने पर सभी दरबारियों को फांसी पर चढ़ा देने की भी शर्त लगा दी। तो राजा ने कहा, पूछा दरबारियों से कि सबसे कड़वी चीज़ क्या है, और उत्तर न बताने पर उसने कहा कि अगर उत्तर मुझे सही नहीं बताया तो मैं सबको ही फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो किसी दरबारी ने करेला बताया, किसी ने अदरक बताया, किसी ने नीम बताया, पर उसकी सनक ऐसी थी कि उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। वो उसका मानना था कि इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तभी विभूति चंद ने राजा की कड़े शब्दों में निंदा की। तो विभूति चंद्र राजा का दरबारी रहता है, वो उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और राजा ने क्रोध में आकर उसे मारने का आदेश दिया। तब विभूति चंद्र ने उसे बताया कि संसार की सबसे कड़वी चीज़ कड़वी बात ही है, जिसके कारण राजा अपने मंत्री को भी फांसी पर चढ़ाने को तैयार हो गया। राजा को विभूति चंद्र की बात से कुछ अक्ल आई तो वो थोड़े दिन के लिए उसकी सनक थोड़ी कम हो गई। फिर दूसरी घटना होती है, राजा को कीमती सामानों का बहुत शौक रहता है तो वो फारस से फूलदान मंगवाता है। तो राजा के कीमती फूलदानों में से एक फूलदान झमकू नामक सफाई कर्मचारी होता है उसके हाथों टूटकर गिर जाता है, जबकि झमकू बहुत ही ईमानदारी से कार्य करता है और बहुत ध्यानपूर्वक वो कार्य करता है, लेकिन गलती से वो उस फूलदान गिर ही जाता है। तो राजा उसको उस फूलदान के बदले 3 दिन बाद मृत्यु की सजा सुनाने का आदेश दे देता है। मंत्री ने झपकू को अंतिम इच्छा के रूप में दूसरा फूलदान भी तोड़ने की इच्छा प्रकट करने के लिए कहा। मंत्री विभूति चंद्र के पास झपकू की पत्नी जाती है और उसके परिवार वाले जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि हमें ऐसा उपाय बताओ। तब विभूति चंद्र बताता है कि तुम लोग जाके और झपकू से कह देना कि वो अपनी अंतिम इच्छा के रूप में दूसरा फूलदान तोड़ने की इच्छा भी प्रकट कर दे। तो राजा ने झपकू की इच्छा का कारण पूछा तो उसने कहा कि दूसरा फूलदान टूटने पर किसी और को न मरना पड़े, इसलिए वह ऐसा चाहता है, क्योंकि वो निर्दोष होते हुए भी फूलदान टूटने की वजह से उसको फांसी चढ़ा दी जाती है। तो वो सोचता है कि अगर दूसरा फूलदान किसी और के हाथ टूटेगा तो बेचारे उस निर्दोष को भी फांसी होगी। तो झपकू सोचता है कि क्यों ना उसकी जगह किसी और को नहीं मरना पड़े और केवल दोनों फूलदानों की जगह एक को ही मृत्यु आ जाए। इसके बाद राजा पूरी तरह सुधर गया और झपकू भी बच गया। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि सनक किसी भी चीज़ की सनक अच्छी नहीं होती। तो इंसान को इतना भी सनकी नहीं होना चाहिए कि वो किसी के प्राण ही ले ले। इसके शब्दार्थ हैं, सनकी होता है पागल या झक्की, परम होता है सर्वाधिक या सबसे अधिक, यकीन होता है विश्वास और भरोसा, ऐतराज होता है आपत्ति, चूक होती है गलती, असीम होता है बेहद या सीमाहीन, तसल्ली होती है संतोष, अक्ल होती है बुद्धि, अट्टहास करना होता है प्रहार करना या ठहाका लगाकर हंसना, मेहरबानी होती है कृपा या दया, बेशकीमती बहुमूल्य कोहराम होता है दुख में रोना, बेकसूर होता है निर्दोष,
नीचे आपके प्रश्नोत्तर हैं, इसमें सबसे पहले आपके मौखिक प्रश्न हैं। मौखिक प्रश्नों में कड़वी चीज़ के प्रश्न के उत्तर में दरबारियों ने किन किन चीज़ों के नाम लिए, तो कड़वी चीज़ के प्रश्न के उत्तर में दरबारियों ने नीम, करेला, अदरक और काली मिर्च के नाम लिए। विभूति चंद्र ने राजा को महामूर्ख के साथ और क्या कहा, विभूति चंद्र ने राजा को महामूर्ख के साथ सनकी भी कहा। राजा ने विभूति चंद्र को कहाँ से गिराने के लिए कहा, तो राजा ने विभूति चंद्र को पहाड़ से गिराने के लिए कहा। विभूति चंद्र ने सबसे कड़वी चीज़ किसे कहा, विभूति चंद्र ने सबसे कड़वी चीज़ कड़वी बात को कहा। राजा ने कांच के फूलदान कहाँ से मंगवाए, राजा ने कांच के फूलदान फारस से मंगवाए। लिखित प्रश्नोत्तर हैं आपके, लिखित प्रश्नोत्तर का मैं PDF बना के बाद में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग बाद में इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित वाक्यों में असत्य कथन के सामने असत्य और सत्य कथन के सामने सत्य लिखिए। सही उत्तर न देने पर राजा ने सभी को फांसी की सजा देने की घोषणा की, सही है या गलत, इसमें सत्य होगा। राजा ने सैनिक को मंत्री का सिर काट देने के लिए कहा, यह सत्य है। सजा मिलते ही मंत्री जोर जोर से रोने लगा, ये भी असत्य है। मंत्री को बाकी दरबारियों की कोई चिंता नहीं थी, नहीं। थर्ड है आपका, नहीं फोर है आपका, मंत्री ने राजा के प्रश्न का उत्तर उदाहरण सहित दे दिया, इसमें सत्य है। मंत्री को बाकी दरबारियों की कोई चिंता नहीं थी, यह असत्य है। राजा ने फारस से एक फूलदान मंगवाया, ये असत्य है, उसने दो फूलदान मंगवाए थे। नेक्स्ट है, राजा ने कहा कि झपकू को 3 दिन बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाए, सत्य। मंत्री ने झपकू के परिवार को राजा से मिलने, मंत्री ने झपकू के परिवार को राजा से मिलने के लिए कहा, असत्य है ये। झपकू ने दूसरी फूलदान को तोड़ने की अंतिम इच्छा जताई, ये सत्य है। राजा ने झपकू को 3,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी, ये असत्य है। नीचे व्याकरण ज्ञान है, निम्नलिखित विशेषणों व संज्ञा शब्दों का उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ विशेषण और संज्ञा शब्द दिए गए हैं। संज्ञा शब्द जिसको विशेष्य कहते हैं, विशेष्य तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, विशेषण और विशेष्य दोनों। तो इसके बाद है काली, तो इसके अंदर काली की विशेषता कौन बता रहा है, काली मतलब किसकी विशेषता बता रही है, तो मिर्च। कड़वा, कड़वा करेला की विशेषता बता रहा है। कड़वा करेला की विशेषता बता रहा है। बूढ़ा है, बूढ़ा मंत्री। कड़वी चीज है, खूबसूरत फूलदान है, अंतिम इच्छा है। थैंक यू।